गुड मॉर्निंग गाइस। सर फाइनली हम पोखरा पहुंच चुके हैं और रात में ही पहुंचे हैं। और भाई साहब मतलब रात में यार ड्रॉ वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि रात में कुछ दिख नहीं रहा था। हम आके हम लोग आए हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे, दिखाते हैं रूम। और ये हमारे भैया नहा के आ गए और पहन रहे हैं कपड़ा, और ये नहा चुके हैं तो अभी कपड़ा वगैरह पहनते हैं फिर निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिलहाल तो सेकंड बार यहाँ विजिट किया गया है क्योंकि इसके पहले पोखरा घूम चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ घूमना नहीं है, हल्का फुल्का जो भी घूमना है घूम के फिर यहाँ से निकल मुक्तिनाथ के लिए, क्योंकि हम लोग का डिस्टेशन वही है। तो निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। रेडी हो चुके हैं और बस सामान वगैरह पैक करना है, ये सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ। भैया लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं, चाय पीते हैं फिर यहाँ से तुरंत निकलते हैं। अभी लेक साइड हम लोग जा रहे हैं और अभी रूम चेकआउट नहीं किया गया है क्योंकि अभी उधर घूम लिया जाता है, फिर रूम चेकआउट करके फिर निकला जाएगा मुक्तिनाथ की तरफ। और चलते हैं उधर, फिर आपको दिखाते हैं जो भी कुछ है। और इधर ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ का मार्केट है पोखरा का। ये रात में तो बिल्कुल सन्नाटा था भाई, लग रहा था कोई है ही नहीं है इधर। और इधर है मार्केट, आपको दिखाते हैं। कौन कहता है कि नेपाल देश मतलब बहुत गरीब देश है, गरीब लग रहा है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल नहीं। कहता कौन है, कोई छुटिया ही होगा जो कहता है मतलब नेपाल बहुत गरीब देश है। मुझे नहीं लगता कि गरीब देश है, क्यों है बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चलता है भैया, पहले भी नहीं था, गरीब तो हम लोग हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं लेक साइड और मेरा सेकेंड बार है क्योंकि इसके पहले मैं विजिट कर चुका हूँ उधर, और भैया लोग का फर्स्ट टाइम है। और इधर देख सकते हैं आप खाने वाला चीज़ है भैया, अब वो फर्स्ट वाला सर, ये उधर मार्केट है वो मतलब जो भी क्या बोलते हैं बुंगुर बुंगुर, हाँ सारा मांस मिलेगा, ये हर चीज़ मिलेगा सारा। आगे पूछा जाए कोई इंटरटेनमेंट चाहिए तो बताइए भैया, आपका व्यवस्था करा दिए उधर से, जो बोले हम काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, हमें टेंशन मत लीजिएगा। हो चुके हैं हम लोग लेक साइड, आप देख सकते हैं इधर। और अभी इधर टिकट वगैरह लगेगा, देखते हैं कितने का है, जो भी है बताएंगे आपको। कैमरे का भी लगेगा टिकट नहीं ना, और इधर पर पर्सन 60 रुपये, चार इंडियन कितना होगा। अरे कैमरा नहीं जाएगा आगे तो फोटो शूट तो करेगा ना, कैमरा बाहर का कैमरा मैंने लेके अंदर जाने के लिए। कैसा बाहर का कैमरा, जैसे बाहर फोटो खींचने का कैमरा फोन से खींचेगा, कैमरा नहीं है किसी के पास। हाँ ठीक है, तो यार अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि भाई अभी यहाँ पे कुछ जगह जो इंडियन करेंसी लोग नहीं ले रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ATM पे, वहाँ से निकालेंगे नेपाली करेंसी फिर इधर रिटर्न आएंगे, क्योंकि कुछ जगह यहाँ पे मतलब कोई ले ही नहीं रहा है इंडिया का करेंसी, पता नहीं क्यों। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी दिक्कत है ऐसे कुछ जगह, बस मतलब सारी जगह नहीं है कुछ जगह है। तो चलते हैं ATM पे पैसा निकालते हैं फिर रिटर्न इधर आते हैं। सर फाइनली ATM में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे SBI का ATM है जो कि मतलब इंडिया का ATM काम करता है इधर, नहीं तो फिर इंटरनेशनल कार्ड आएगा तभी काम करेगा। इधर है अभी इधर से ATM है, पैसा निकालते हैं फिर चलते हैं उधर। हम लोग का पैसा वगैरह निकल गया भाई, बहुत प्रॉब्लम हुई यार, मतलब पैसा निकल ही नहीं रहा था यार ATM से। और अभी फिर चलते हैं टिकट वगैरह लेते हैं, क्योंकि क्या ही बताएं अब तक घूम लिए होते हम लोग, लेकिन क्या है कि इंडियन करेंसी ले नहीं रहे लोग इधर, तो चलते हैं उधर फिर मिलते हैं। पहले टिकट मिल गया, ये रहा टिकट, और चलते हैं घूमते हैं और फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। भैया सन्नाटा है तो पूरा, आज कोई दिख ही नहीं रहा है, हम लोग आते जाते सन्नाटा हो जाता है पूरा, सब गलत बात है ना। ऐसा क्यों पता नहीं भैया, कोई कुछ करा दिया लगता है साला। ये इधर एक सेल्फी पॉइंट है आप देख सकते हैं, इसी का टिकट लगता है भाई, मतलब कि लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है मेरे हिसाब से। फिलहाल कुछ है नहीं खास, क्यों भैया। हाँ एकदम चूतिया बनाया जा रहा है, कुछ है नहीं यहाँ। और लोग कहते हैं कि नेपाल बहुत गरीब देश है, मुझे लगता नहीं है कहीं से। और इधर बोटिंग वगैरह है, तो बोटिंग वगैरह भी करेंगे अभी, पहले इधर घूम लेते हैं फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। नहीं इधर करेंसी उधर उधर नहीं बन रहा है, उधर क्या है कि ले रहे थे इंडियन करेंसी, इधर दिक्कत कर रहे हैं, इधर कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं चल रहा है ऐसे वैसे। हम लोग ने मतलब इधर नहीं बोला ना, और लोग ने भी तो बुलाओ। हाँ कोई नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं नहीं टेंशन नहीं लेते हम लोग, टेंशन देने वाले आदमी है, टेंशन लेते नहीं है, नहीं देने वाले हैं, टेंशन देते हैं हम लोग लेते हैं। फाइनली फोटो शूट वगैरह हो गया और अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लगभग 2 बजने वाले हैं और हम लोग को डिस्टेंस ज़्यादा दूर है, तो अभी निकलते हैं इधर से।
कौन कंजूस है? और भैया हुआ नहीं क्या आप अभी आपका? चलिए करके आइए, हम लोग निकलते हैं। आइए भैया, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं रूम पे, रूम चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से तुरंत निकलते हैं। तो चेकआउट हमने कर दिया और पेमेंट वगैरह करना, पेमेंट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं और देखते हैं कितना पेमेंट वगैरह हुआ है, फिर जैसा होता है आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगा। टाइम होता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे तक छोड़ दिया ये भाई, कोई बात नहीं। 500 का नहीं है? हाँ, 500 का बना हुआ नहीं ना। अरे भाई, ये देने के लिए दिक्कत करता है यार इधर यार। क्या क्या भाई, आप लोग ले लिए भाई यहाँ पे यार, लोग मतलब चूतिया बनाते हैं रेंट भाई। यहाँ पे आओ तो पहले मतलब जो भी कुछ है रेंट वगैरह पता कर लेना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो कोस्ट है लगने का उसमें 10% एक्स्ट्रा मतलब जोड़ा जाता है, पता नहीं किसी का सर्विस चार्ज वगैरह, बस मतलब चूतिया बना जा रहा लोगों को घुमाते रहते और कुछ नहीं। फिर चलते हैं यहाँ से, बाइक लेते हैं, उठाते फिर निकलते हैं।